and i don't want you to blue eyes you know everything about me like i need my territories so why are you still so needy you're in over your head phone is ringing always at a bad time every time you flash your name always leaving असलम एवरी वन क्या हाल चाल है कैसे हैं आप सब दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे मजे में होंगे बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे होंगे अपने घर वालों के साथ अपने प्यारों के साथ अच्छा जी आज का ब्लॉग मैंने सोचा काफी दिन के बाद आज मैं काफी अच्छा बेहतर फील कर रही हूँ तो अच्छे मूड के साथ स्टार्ट करूं आपको मैंने बताया था पिछला जो वीक है ना वो बड़ा टेंशन में गुजरा और कुछ तबीयतें भी खराब थी कुछ टेंशन भी थी कुछ दोनों घरों में भी टेंशन थी तो बस इस वजह से काफी ज्यादा हेक्टिक था तो अलहमदल्ला आज मैं काफी अच्छा फील कर रही हूं तो मैंने कहा चलो जी अच्छे मूड के साथ ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं आज मैंने आपके साथ एक बड़ी अच्छी चीज भी शेयर करनी है इस ब्लॉग में टाइटल से तो खैर आपको पता चल गया होगा लेकिन फिर भी आप ब्लॉग पूरा देखिएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आप सबको पता है कि जो मेरे जैसे लोग होते हैं ना मतलब कि जिनको प्रॉब्लम होता है बालों का अच्छा मैंने ये देखा है जिनको जिनके स्ट्रेट बाल होते हैं ना मेरी कजन है तो उनके डेड स्ट्रेट बाल थे और मेरे करली बाल थे तो हम दोनों अपोजिट रहे वो मुझे कहती थी कि कितने मजे के तुम्हारे करली वेवी बाल है और मैं उनको कहती थी कितने प्यारे स्ट्रेट बाल है स्ट्रेट करने की जरूरत ही नहीं होती और वो कहती थी नहीं मेरे फ्लैट रहते हैं और इस तरह से हम हर वक्त मतलब सारी जिंदगी हम एक दूसरे के साथ जो है ना बहस करते रहे तो खैर ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है अल्लाह ताला जो है ना बस वो बाल दिए शुक्र अलहमदुल्ल अच्छे दिए बस उसको हम मजीद थोड़ा सा अपनी पसंद के मुताबिक जो है ना वो चेंज कर लेते हैं अच्छा लगता है खैर ये अपनी अपनी पसंद है तो मैं जो हूँ ना मुझे बचपन से ही जो है ना वो करली बाल है तो स्ट्रेट बाल मुझे बहुत अच्छे लगता है किसी को अच्छे लगे ना लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है हर एक की अपनी पसंद ना पसंद होती है लेकिन मुझे खैर अच्छे लगते हैं अच्छा जी तो आज जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंने स्ट्रेटनर मंगवाया है और आई एम वेरी एक्साइटेड तो मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि ले लू ले लू ले लू अच्छा आप जो है ना चीजें हमारे पास होती हैं सबके पास ही होती हैं लेकिन साथ साथ आप नई चीजों पे जब इन्वेस्ट करते हैं जाहिर वक्त के साथ साथ अच्छी चेंजेस आती हैं तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही अच्छे मिलते हैं तो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी अपना स्ट्रेटनर भी अच्छा जो लोग पाकिस्तान में है मैं दराज के लिंक्स दे दूंगी आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और मैं आपके साथ हमेशा ऑनेस्ट अपनी चीजें शेयर करती हूँ जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं तो उनको मैं दे दूंगी अमेजोन का लिंक आप भी देख सकते हैं वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कलेक्शन के लिंक्स भी जो है ना वो मिल जाएंगे आपने कुछ भी लेना हो आप ले सकते हैं ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ ऑनेस्ट सजेस्ट करती हूँ क्योंकि मैं जब चीज लेती हूँ बड़ी सोच समझ के लेती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं आप मेरी बहनों की तरह तो आप भी अगर चीज लें तो वो आपके लिए अच्छी हो खैर जी अभी यहाँ पे सर्दी तो है बहुत ही शदीद बहुत ही शदीद कल से सर्दी है मतलब रात को हमारा माइनस फोर माइनस फाइव पे चला गया तो अभी भी मतलब दिन को भी मैं देख रही थी असर के टाइम भी माइनस टू माइनस थ्री पे था अभी भी पता नहीं कितना होगा और ठंड से अपने आप को अपने आप को राजी करना काम के लिए ना अपने आप को मनाना बहुत बड़ी बात है बस दिल चाहता है जितना भी हीटिंग हो जितना भी आप ये देखें मोटे कपड़े इस तरह के पहने जाए लेकिन दिल दिल चाहता है बस आप बिस्तर में ही लेटे रहे कुछ ना करें लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ये वाली जो मस्तियां होती है ना ये वाले जो शौक होते हैं ये अपने घरों में या अपने माँ बाप होते हैं तो उनको हम कह देते हैं अभी भी जब गई थी तो अम्मी जो है ना ये नहीं करो ये नहीं करो बस रेस्ट करो वहां से थक के आई हो यहाँ भी काम करोगे इस तरह से तो माए होती है ना माँ के आगे आप इस तरह से कर हैं लेकिन खैर चले अल्लाह ताला खुश रखे सलामत रखे सबको अपने घरों में और मैंने बाहर इधर लाइट्स ऑफ की हुई है वैसे भी सर्दियों में अंधेरा ही रहता है धूप निकलती है ये बात नहीं है कभी कभार लेकिन वो धूप जब निकलती है ना उस दिन और भी ज्यादा सर्दी हो जाती है तो चले जी बातें हो गई काफी ज्यादा अब करते हैं ब्लॉग का स्टार्ट यहाँ पे मैं ठहरी मैंने कहा थोड़े सा रोशनी आ रही है जरा अच्छी रोशनी आए ताकि मैं जो हूं ना वो वीडियो का स्टार्ट कर लूं चलें जी ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करें और बस सर्दियां सर्दियां चल रही हैं और अल्लाह ताला खैर से जो है ना बस ये दिन गुजारे खैर से ये महीने गुजारे मुझे वैसे यहाँ का समर बहुत पसंद है लेकिन खैर विंटर भी अच्छा लगता है मुझे वैसे सर्दियां बहुत ज्यादा पसंद थी अभी भी पसंद है अभी इंशाल्लाह ताला स्नो फॉल होगी तो बस खैर खैरत के साथ गुजरे बस तबीयत जब थोड़ी सी खराब होती है ना फिर जरा बंदा डाउन हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा अच्छा जी ये बॉक्स जो है ना ये मुझे रिसीव हो गया था तकरीबन इसे दो दिन हो गए हैं दो दिन से भी शायद दो तीन दिन ऐसे हो गए हैं अच्छा जी ये ओपन करती हूँ आपको दिखाती हूँ मैंने क्या मंगवाया है और साथ साथ मैं आपको बताती भी जाती हूँ इसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ इसको पहले खोलते हैं मैंने बस यहाँ से थोड़ा सा खोला था लेकिन पूरा नहीं खोला तो इसको खोल के दिखाती हूँ अच्छा जी तो ये जो स्ट्रेटनर है ना ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले तो ये बॉक्स में इस तरह से आया है मैंने सोचा मैं आपको पैकिंग भी दिखा दूँ और आपके सामने ही मैं ओपन करूँ अच्छा जी अभी इसको मैं ओपन करती हूँ एक बात मैं स्टार्ट में बता दूं कि ये जो है ना दराज और अमेजोन दोनों पे अवेलेबल है और ये देखें ये शाइन थेरेपी के साथ आपको पता है रिमिंगटन के स्ट्रेटनर्स वैसे तो सारे ही बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अभी चूंकि हर जगह पे सेल्स चल रही हैं तो इसलिए काफी अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं तो ये देखे मैंने सोचा ये मैं बस जल्दी से आपको दिखा दूं अच्छा मैंने सोचा था मैं इसका बाद में आपको रिव्यू शेयर करूंगी लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं अभी सेल्स लगी हुई है काफी अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं अगर आपने लेना हो तो आप अभी ही ले लें ताकि आपका भी फायदा हो जाए और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कब से लेने का सोच रही थी और फिर मैंने सोचा कि नहीं फाइनली ले लेते हैं एक्चुअली आप जब भी नई नई चीज़ें आती हैं ना इस तरह से तो जब अपडेट होती है नई चीज़ें आप लेते हैं तो जाहिर है फिर आपको रिजल्ट भी वैसे ही अच्छे मिलते हैं तो मैंने कहा चलो ठीक है ले ही लेते हैं ट्राई करने के लिए और जब जो चीज़ें आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो उन पर तो आपको ज़रूरी इन्वेस्ट करना चाहिए अच्छा जी तो अभी इसको मैं ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ अब एक और चीज़ बैड न्यूज़ ये भी है कि ये मुझे मिल तो गया है लेकिन ये अभी अमेजॉन पे आउट ऑफ स्टॉक है तो खैर दराज पे ये अवेलेबल है अगर पाकिस्तान से आप लेना चाहते हैं तो वो लिंक तो आपको मिल जाएगा अब अमेजोन पे जब मिलेगा तो जब आएगा फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी लेकिन अभी भी मैं लिंक शेयर कर रही हूँ आप देख लीजिएगा हो सकता है अवेलेबल हो जाए दोबारा अच्छा जी अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और मैं इसका साथ साथ आपको रिव्यू भी दे देती हूँ ये इसके साथ एक बैग मिला है और ये आप इसके अंदर इसको स्टोर करके रख सकते हैं ट्रैवल करते हैं आप तब भी जो है वो इसको साथ इसमें डाल के ले जा सकते हैं अच्छा ये स्ट्रेटनर मैंने क्यों लिया अभी मैं आपको साथ साथ ये बताती हूँ ये जो लिया है मैंने इसके साथ ये यू स्विच है ये यू में इसी तरह से यूज होते हैं तो ये मैंने लिया है और इसमें इतने ज्यादा फंक्शन है ना प्राइस इसकी अभी बहुत कम हुई हुई है इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप देख लीजिएगा इसको और इस तरह से ये देखें कितना अच्छा इस तरह पेपर में रैप हुआ आया है और इसकी फील मैं आपको बताती हूं मैंने जैसे ही किया ना, जो फील ना, कमाल की आई है ये देखें जी अच्छा मेरे पास जो ड्रायर है ना हेयर ड्रायर मैं यूज करी हूं। वो भी सेम इसी कलर में इसी तरह से अच्छा इसकी फील हैंड फील बहुत अच्छी आई है मेरे पास अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ आपको मैं दिखाऊंगी पहले भी मैंने दिखाया था तो उससे ये थोड़ा सा छोटा है तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है दूसरा ये कि ये देखें एक तो आप ये देखें ये रोटेट होता है इसके साथ जो ये तार लगी हुई है ना ये रोटेट होता है और ये चीज़ सबसे बेस्ट है कि ये रोटेट हो जाता है और तार आपकी उलझती नहीं है उसके अलावा ये देखें इसकी जो प्लेट्स हैं ये इतनी ज्यादा मुझे अच्छी लगी है इनमें कोई गैप नहीं आ रहा ये देखें तो स्ट्रेटनर जब आप लेते हैं ना तो कुछ चीजें होती हैं जो कि आप देखें उनको देख के आप लें तो कभी भी आपका एक्सपीरियंस बुरा नहीं जाता अच्छा उसके अलावा अभी मैं आपको और चीजें भी दिखाती हूँ मैंने सोचा मैं ऑन भी कर लू ताकि ये भी मैं साथ साथ आपको दिखा दू तो एक क्विक रिव्यू है ये ये लॉक भी हो जाता है ये देखें और जब ये लॉक होता है ना तो ऊपर इस तरह से ये देखें साइन बना हुआ है इसका मतलब है स्ट्रेटनर लॉक है लॉक क्या है कि ये देखें बंद हुआ हुआ है अच्छा इसके पीछे एक क्लिप सा लगा हुआ है तो वो आप जब बंद करते हैं ना तो ये लॉक हो जाता है अच्छा अब इसको मैं ऑन करके आपको दिखाती हूँ ये देखें जैसे ही मैंने ऑन किया है मैं आपको इसका मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर भी बता देती हूँ ये शाइन थेरेपी के साथ है सिरामिक की प्लेट्स हैं जो कि आपके बालों को डैमेज भी नहीं करती हैं बहुत ही क्विक जो है ना इसका रिस्पांस आपको मिलता है और उसके अलावा ये है कि आपके जैसे भी बाल हैं आप उसी तरह उतनी हीट रख सकते हैं अच्छा ये मैंने सोचा मैं आपको दिखा दू मैक्सिमम इसका है टू का और इसका मिनिमम आ रहा है वन का तो ये होता है कि आपके बाल जितने वेवी हैं जितने करली हैं जितने स्ट्रेट हैं जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से सेट कर सकते हैं तो यह बड़ा अच्छा है अच्छा ये क्विक हीटअप हो जाता है बहुत जल्दी ये हीट अप हो जाता है ये चीज़ बड़ी अच्छी डिस्प्ले इसका मुझे बहुत अच्छा लगा था और बहुत ही अच्छी जो है ना इसकी जो फील आ रही है जो लुक आ रही है बहुत ही कमाल की है और ऐसे नहीं कि मैं वीडियो बनाने के लिए कह रही हूं अगर मैं सेटिस्फाई नहीं होती तो मैं इतनी तारीफें कभी ना करती क्योंकि ये पेड नहीं है मैंने पैसे दे के लिए है अच्छा इसके साथ ये बुकलेट है तो इसलिए मैं आपके साथ तो वही चीज शेयर कर रही हूं जिससे मैं सेटिस्फाई हुई हूं और मैं सेटिस्फाई पहली दफा मैं क्यों हुई हूं अभी मैं आगे आपको दिखाती हूँ आप वीडियो देखिएगा अच्छा एक तो ये मुझे ये भी चीज बड़ी अच्छी लगी है कि ये काफी हैंडी है बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत ज्यादा चौड़ा भी नहीं है आप आराम से इसको जो है ना ट्रेवल में भी यूज कर सकते हैं घर में भी अच्छी तरह से आपके स्टोर कर सकते हैं जगह कम हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये देखें यहां से ये लॉक होता है ये इस तरह से आप लॉक करके रख लें जैसे आप यूज करें आप लॉक करके इसको रख दें और जब आपने जो है इसको दोबारा यूज करना आप अनलॉक कर दें अच्छा अब आपने जब इसको ठंडा हो जाए तब आप इस बैग में इस तरह से स्टोर कर सकते हैं ये चीज़ भी मुझे बड़ी अच्छी लगी हालांकि मेरे पास जितने भी हैं पहले मैंने सारे नए लिए हुए हैं मोस्टली सबके साथ बॉक्सेस वगैरह भी हैं ज़्यादातर लेकिन ये देखें ये मुझे बड़ा अच्छा लगा अच्छा मैंने सिलीकॉन का हीट वाला पैड भी लिया हुआ है वो मैं आपको इनशाला दिखाऊंगी मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था जब मैंने शॉपिंग की थी तो जब भी आप स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ करें तो वो आप नीचे रख लें और आप फिर कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छा ये देखें आप मैंने अभी बाल वॉश करके हेयर ड्रायर और ये फर्स्ट टाइम में इसने किस तरह से जो है स्ट्रेट कर लिया है इतनी ये शाइन दे रहा है मैंने कुछ भी बालों पे ऐसा नहीं लगाया और ये मैंने बस ऐसे रफली अभी स्ट्रेट हैं और इतना जल्दी हो गया इतना क्विक मतलब ये स्ट्रेट हो गए कि बस मजा आ गया दिल खुश हो गया तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए और मेरा मूड बड़ा अच्छा हो गया है क्योंकि स्ट्रेटनर माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया है आप जब इन्वेस्ट करते हैं ना किसी भी चीज़ में वैसे तो आप सबको पता है रिमिंगटन के स्ट्रेटनर्स तो अच्छे ही होते हैं लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी है इंसान कन्फ्यूज़ होता है समझ नहीं आती लेकिन जो सबसे अच्छे रिव्यूज़ थे जो सबसे अच्छी रेटिंग थी वो मैंने इसी की देखी थी और टॉप पर नंबर वन पर ये सेलिंग में जा रहा था तो मैंने कहा ठीक है मैं यही मंगवाती हूँ मैं वेट कर रही थी कि सेल्स जब लगेंगी ना तो तब मैं लूँगी तो अलहदुल्लह से मेरी जो है ना वो आज की शॉपिंग बड़ी अच्छी रही एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा तो आप भी लेना चाहें तो फुली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से अच्छा जी अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था पास्ता बनाने का मैंने लिए हैं जी ये स्पेगेटीज़ हैं लेकिन ये थोड़ी सी मोटी वाली हैं जैसे नूडल्स होते हैं ना ये उस तरह के हैं और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल के गर्म पानी डाल दिया ये जब तक बॉयल होंगे अब ये देखें आप ये मैंने आपके साथ उस दिन शेयर किए थे ना जो मैं फ्रीज करके रख देती हूँ वेजिटेबल्स इसीलिए रखती हूँ क्योंकि इंसान जो है ना वो जब बिजी होता है कुछ भी दिल चाह रहा होता है तो बस आप फ़ौरन से फ्रीजर से निकालें इस तरह से और फ़ौरन बना लें अच्छा ये मैंने जो जिप लॉक बैग में डाला था ना तो इससे ये होता है कि ये देखें बिल्कुल जैसे फ़्रेश होती हैं बिल्कुल आपको वैसे ही लगती हैं हाँ थोड़ा बहुत अब उन्नीस बीस का फ़र्क आपको फ़ील होगा लेकिन उसके बावजूद भी है कि टेस्ट सही रहता है मैं तो इसके साथ खैर बड़े ईजी रहती हूँ और गाजरें भी ये देखें ये भी मैंने इस तरह से काट के फ्रीज की थी तो ये भी अभी मैं निकाल लूँगी और आज जो मैं, मैं बनाऊँगी ना बड़े मज़े की बनाऊँगी आप देखिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये देखें जी ये मैंने निकाल लिए हैं बस आप इनको ना फौरन से निकाल के फौरन से रख लें अच्छा बंद गोभी मेरे पास अभी नहीं है कैबेज भी मैं अक्सर फ्रीज कर लेती हूँ लेकिन मैं बहुत ही कम लेकर आती हूँ अक्सर ये वैसे ही बड़े मजे के बन जाते हैं तो मैं नहीं डालती हूँ तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी बोनलेस चिकन और उसके साथ आप फ्रेश अदरक लहसन का पेस्ट डाल दें पाउडर डाल दें मैंने वैसे आज फ्रेश इसमें डाला है चिकन डाल के मैं इसको थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे पका लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी सब्जियाँ अच्छा आप जब ये बनाते हैं ना इस तरह की कोई भी चीज़ तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक तो इनको लो फ्लेम पे नहीं बनाते क्योंकि वेजिटेबल्स अपना पानी जो है वो रिलीज़ करते हैं और स्पेशली फिर जब आप फ्रीज़र वाली यूज़ करें तो थोड़ा सा हाई फ्लेम पे बनाएं ताकि पानी ज़्यादा रिलीज़ ना करें और थोड़ी सी जो है ना ये क्रंची टाइप की भी आपको लगे अदरवाइज़ फिर ये बहुत ही सोगी सोगी सी और अजीब सी आपको लगेंगी तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से बस ये देखें तेज़ आंच पे पका लिया थोड़ा सा उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सिरका सोया सॉस और उसके साथ मैंने डाला था चिली सॉस ये सारे पाकिस्तानी हैं और ये बड़े मज़े के लगते हैं इनके साथ मुझे टेस्ट ऐसा लगता है बहुत ही मज़े का आता है तो ये डालने के बाद मैं थोड़ी सी डालूंगी काली मिर्च थोड़े से मैं डालूंगी इसमें सफ़ेद मिर्च अभी मैं आपको दिखाती हूँ और उसके साथ जो है ना मैंने इसमें एक और चीज़ भी डाली थी अभी आपको दिखाती हूँ अच्छा थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया थोड़ा सा मैंने पहले ही ऐड कर दिया था और काली मिर्चें मैंने भी डाल दी हैं और सफेद मिर्चें भी डाल दी अगर सफेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्च डाल दें सफेद मैं बहुत ज्यादा नहीं डालती इसका थोड़ा सा मुझे टेस्ट चेंज लगता है तो मैं मिक्स करके डालती हूँ तो ये देखें जी बस उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें ये मुझे वैसे नूडल्स ही लग रहे हैं स्पेगेटी तो थोड़ी सी इससे पतली होती है मोटे मोटे हैं और इनको पकने में भी काफी टाइम लगा था पता नहीं लेती तो मैं अक्सर यही हूँ लेकिन इस बार ये जरा मोटे मोटे थे टेस्ट में बड़े मजे के थे बिल्कुल जो आप बाहर खाते हैं ना बाहर आपको चाउमीन मिलते हैं ये बिल्कुल थे। तो ये उसी तरह, अच्छा तो तरह रेड सॉस या रेड कुछ भी मेरे पास नहीं था अभी तो मैंने केचप डाल दिया है और यहाँ पे केचप इतने मीठे होते भी नहीं है तो इसलिए ये बहुत मीठा मीठा नहीं होता बस ये इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और उसके बाद मैंने इस पर डाल दी ढेर और ढेर चीज चीज़ डालने के बाद इसको मैंने पांच मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दिया था अगर आप चीज़ लवर है ना तो ये आप ज़रूरी करके देखिएगा आपको बहुत ही मज़ा आएगा इतने मज़े के बने थे और पांच मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर रख दें कोई बेक करने की ज़रूरत नहीं है पांच मिनट के बाद ये देखें जी कितने मज़े के ये रेडी हो गए हैं तो ये जी मैं करने लगी हूँ अभी डिश आउट उस्मान के लिए और उस्मान को भी बड़े अच्छे लगे थे मुझे तो खैर वैसे ही अच्छे लगते हैं <laughs> उस्मान को भी बड़े अच्छे लगे थे ये देखें जी जो चीज़ लवर्स है ना उनके मुंह में ज़रूर पानी आया होगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंजॉय कीजिएगा और ये बहुत ड्राई अच्छे नहीं लगते और बहुत ज़्यादा गीले गीले से भी अच्छे नहीं लगते तो इस तरह से बड़े मज़े के लगते हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा आई एम श्योर आपको अच्छे लगेंगे और वीडियो का मैं एंड करती हूँ इन शाला तला जी आप होगी कल मुलाकात दुआ में याद रखिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं अल्लाह हाफिज